हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप मुफ्ती साहब से बात करनी। जी जी आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए आप। जी, मेरी बेटी है, मैं इंडिया से बोल रही हूँ। अच्छा, मेरी बेटी है और वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है और गैर मुस्लिम से शादी करना चाह रही है, तो मेरा कोई वजीफा बता दीजिए, मेरा मसला ये हल हो जाए। जी ठीक है। आप शुक्रिया। आप इंडिया में कहाँ से बोल रही हैं, किस शहर से? जी, मैं से बोल रही हूँ। जी शुक्रिया बहुत। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह, उसके लिए नोट कर लें, सूरह वद्दुहा आपने एक मरतबा पढ़नी है, लेकिन जब आप आयत नंबर 7 पर पहुँचें, वावजादा का वालन फाहदा, इस आयत को आपने 75 टाइम दोहराना है। 75 टाइम दोहरा के फिर सूरत पूरी कर लें और दुआ कर लें, किसी मीठी चीज़ पे या खाने पीने की चीज़ पे दम करके उस बच्ची को खिला दें, अगर दूर है तो तसव्वुर में उसके ऊपर फूंक दिया करें। ये 41 डेज पाबंदी से अमल करें, इससे होगा कि वो नेक और अच्छे जगह पर रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाएगी, और जो जैसे आप बता रही कि गैर मुस्लिम में शादी करना चाहती है उससे वो बाज आ जाएगी, ये शुरू कर दें। और दूसरा, जो उसके लिए सूरत मुमतहिना पढ़ें, सूरत मुमतहिना 5 दफ़ा रोज़ पढ़ के उसके लिए अच्छे रिश्ते की दुआ करें, इंशाल्लाह ऐसा रिश्ता अल्लाह भेज देंगे जिसमें उसका भी दिल लगेगा और वो रिश्ता खैरियत से हो भी जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत